कि संत घर में जन्म से कि कम से कम अपना कर्तव्य को पालन करें और सेवा करें। एगो साखी में लिखा है कि मनुष्य को सेवा करने वाले को भगवान खोजने का जरूरत नहीं है। और यहाँ हम देखते हैं कि भाई भाई से तवा है, समाज समाज से तवा है, लेकिन सबसे ये भी एक बड़ा भक्ति है। अपना जिंदगी को मनुष्य खोते कैसे है, किसी समाज में मेल नहीं है, लेकिन दो दिन के जिंदगी में हम बड़े, हम बड़े बड़े मन के कहाँ जाएंगे। अरे बड़ा तो एक रावण था, बड़ा तो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सब था, लेकिन सब भी यहाँ से चले गए। पांच भाई पंडित, 25 भाई कौरव था, 100 भाई कौरव, लेकिन वो भी चले गए। तो हम लोग को भी जाना है, लेकिन जाना है उपकरण करके कि जो समाज में अच्छा कहे। दान पुण्य करना है, गीत भजन करना है, शांत ध्यान भजन करना है, ध्यान करना है। कृपा सिंधु भुदेव दीन दयालु, जो पालु है अभिले पानी के अजिन दुनिया प्रगत तमा। सदगुरु देव दया के सागर में अपने भक्तों को दया करने वाले करुणा के सागर इस संपूर्ण पूर्ण समर्थ है। कोई बिरला ही उनके अनन्य शरणागत आया हुआ है, उनके भेद को जान पाया, और कोई उनकी कृपा से जो जहाँ पर उन्हें भक्त भाव से पहचानता समझता है, सुमरण ध्यान करता है, वहाँ पर वे साक्षात प्रकट होते हैं। कोई बुझे जन जहुरी, जो सर्व की पारख करे अचित लाल स्नेही सिखावन, हित जाने के हृदय है मोहतम सर्व ज्ञान रवि, सब प्रकट होए तब बुझे अकहत हूँ अनुराग सागर संत कोई कोई। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जो सब की जांच करता है, गुणों को हरी भात समझता है, ऐसे ही कोई सरकार रखने वाला जिज्ञासु इस ग्रंथ के सत्य नाम को जान पाएगा। सदगुरु के उपदेश को सच्चे ज्ञान का अधिकारी मन लगाकर ध्यानपूर्वक सुनता है और अपने भलाई हित जानकर उसे हृदय में धारण करने लगता है। जब चमकते हुए सूरज के समान सदगुरु का शब्द ज्ञान हृदय में प्रकाशित होता है, तब वो माया रूपी अंधकार नष्ट होकर सब कुछ अपने वास्तविक रूप में दिखाई देने लगता है। सभी भ्रम मिट जाते हैं। सत्य ज्ञान प्राप्ति के लिए आप मैं अनंत भक्ति एवं प्रेम से परिपूर्ण चाहता है। बिना अनुराग वस्तु लक्ष्य को पा नहीं सकते। जो अनुराग सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि लाखों करोड़ों में से कोई एक ज्ञानवान संत सज्जन होता है, जो मेरे साथ सबको गंभीरता से विचार करके अपने हृदय में धारण करता है, जिनके हृदय में परम पिता परमात्मा के प्रति सच्चा भक्ति प्रेम निवास करता रहता है, वही ज्ञानी जन सभी बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष पद को प्राप्त करता है। अनुरागी के लक्षण विषय प्रश्न, ये सतगुरु विनमो कर जोरी, यह संयम में भेटऊ प्रभु मोरी, जाके चित अनुराग समाना, ताकर बहु कौन ही दाना। सतगुरु कबीर साहब के आशीर्वचन सुनकर धर्मदास जी कहते हैं कि सतगुरु मैं हाथ जोड़कर अपनी प्रार्थना करता हूँ कि मेरे मन उत्पन्न हुआ यह संयम प्राप्त